हर डिपार्टमेंट में एक एक दो दो छात्राओं को इन्होंने फेल कर दिया। और ये रूल ना हम लोग को बताया गया, ना टीचर्स को पता है, ना एचओडी को पता है, ना किसी को भी पता है, बस ये रूल नहीं आया और हम लोग को इम्प्लीमेंट भी हो गया। हमें बैठने के लिए यहाँ पे पढ़ने आते हैं एक पेपर के लिए सिर्फ, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि वो हमारी मांगों को पूरा करें, वरना हम 24 घंटे के अंदर उनसे गवर्नर हाउस में मिलेंगे। छात्राओं के जो मांग है बिल्कुल उचित मांग है, सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट में क्रॉस लगने के कारण मेरे को ईयरबैक लग रहा है। ये जो पटना विमेंस कॉलेज है कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ कमाई का अड्डा है, किसी का एक साल बर्बाद कर देना कहीं से उचित नहीं है। पीडब्ल्यूसी प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रही, हमारी मांगों को वो अनदेखा कर रही है। हमारी मांग कहीं भी एकेडमिक से अलग नहीं है, हम लोगों ने कोई भी आपत्तिजनक मांग नहीं की है। सेम प्रोफेसर मगध मेला में पढ़ा रहे हैं, साइंस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे 200 से 6000 में पढ़ाई हो रहा है, और वही कोर्स यहाँ पे 1.5-2 लाख में पढ़ाई हो रहा है। तो ऐसी भवन है, भवन के नाम पे पैसा लाइए, मेंटेनेंस लाइए, ये सब चलते रहता है यहाँ पे। पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्राएं सड़क पर उतरी है, लगातार अपनी मांगों को लेकर मैदान में है। क्या वजह है, किन वजहों से सड़क पर उतरना पड़ा है? देखिए, हमारा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा इतना है कि जो हमारी बहनें हैं पटना विमेंस कॉलेज की जो छात्राएं हैं, 200 प्लस छात्राओं को इन्होंने हर डिपार्टमेंट में एक एक दो दो छात्राओं को इन्होंने क्या किया है कि प्रमोट कर दिया, मतलब प्रमोट कह रहे हैं फेल कर दिया। और इनका कहना है कि आप एक साल तक घर बैठिए, अगले साल आप आइए और पढ़िए। आप बताइए, जब सिलेबस चेंज हो चुका है तो वो दो दो जो स्टूडेंट उनको किस कौन प्रोफेसर पढ़ाएंगे? और सबसे जो अहम बात है, वो हर विद्यार्थी को 3 चांस मिलता है, इन किसी भी 200 प्लस विद्यार्थियों को एक भी चांस वो नहीं दे रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि वो हमारी मांगों को पूरा करें, वरना हम 24 घंटे के अंदर उनसे गवर्नर हाउस में मिलेंगे, बाकी हमारा कोई मुद्दा नहीं। गवर्नर हाउस जाएंगे? जी, हम लोग जाएंगे, हम लोग सारी जो हमारी बहनें आप बात करिए सब गवर्नर हाउस जाने के लिए तैयार है। और हम लोग अब दूसरा जो एप्लीकेशन होगा हमारा गवर्नर हाउस में, और हम उनसे अब गवर्नर हाउस के ही थ्रू बात करेंगे। अगर पीडब्ल्यूसी प्रशासन बात नहीं सुनती है तब आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पीडब्ल्यूसी प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रही, हमारी मांगों को वो अनदेखा कर रही है। देखिए, अभी हम लोगों ने छात्राओं ने एकदम शांतिपूर्वक अपना बात रखा, उन्होंने 25 तरह के पुलिस प्रशासन को बुलाया, लेकिन प्रशासन भी, हमने यहाँ पे प्रशासन को भी अपनी बातों को समझाया और प्रशासन हमारी बातों को समझ भी। उनका कहना भी ये है कि हाँ, आप लोग आंदोलन, जो भी आप लोग का प्रोटेस्ट है, हमारी देखिए जो हमारी मांग है वो हमारी मांग कहीं भी एकेडमिक से अलग नहीं है, हम लोगों ने कोई भी आपत्तिजनक मांग नहीं की है, हमने ऐसे मांग रखी है जो विद्यार्थियों को, छात्राओं को अपने हक के लिए लड़ना ही हो। और ये आज अगर मांग हमारी पूरी कर देती तो आज हम लोग इस तरह से सड़क पे नहीं होते इतने गर्मी में। छात्राओं के हाथ में, छात्राओं के सम्मान में, विद्यार्थी परिषद में, जी जी मैं एवीपी से हूँ, और हम लोग जो हमारा है वो हम छात्राओं के, छात्रों के सम्मान में, विद्यार्थियों के जो भी मुद्दे होते हैं हम इसी पे लड़ते हैं। और अभी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो जो हमारी बहनें या 200 प्लस इनको प्रमोट किया जाए, इनको जो 3 बार मौका जो दिया जाता है वो मौका दे, और अगर ये मौका नहीं देती है तो हम 24 घंटे के अंदर इनसे गवर्नर हाउस में। चलिए, 24 घंटे के अंदर गवर्नर हाउस जाएंगे। क्या वजह है, आप लोग सड़कों पर उतरना पड़ा है, जा क्या वजह? वही है, हम लोग का क्या, एक पेपर में बैक लगा, जिसके कारण हम एक साल घर में बैठना, हम लोग घर में बैठने के लिए यहाँ पे पढ़ने आते हैं एक पेपर के लिए सिर्फ, हम लोग को बस ये चाहिए प्रमोट होना है नेक्स्ट सेमेस्टर में बस, और हम लोग को कुछ नहीं इस पे बात करना। क्या वजह रही है, कितनी की संख्या है आप लोग? 200 प्लस स्टूडेंट्स है यहाँ पे, बट सारे बच्चे आ नहीं रहे हैं कॉलेज, क्योंकि हमारा समर वेकेशन चल रहा है, कॉलेज हमारा 1 जून से 30 जून तक बंद होता है, तो बहुत सारी लड़कियाँ घर जा चुकी हैं, और जो लड़कियाँ पटना में हैं वो लोग, कितनी सारी लड़कियाँ घर से भी आ रही हैं, इतनी गर्मियों, इतनी गर्मी पड़ रही है, स्टिल सारी लड़कियाँ अपने पेरेंट्स के साथ 20 दिन से दौड़ रही हैं कॉलेज, बट प्रोफेसर प्रिंसिपल हम लोगों से मिल तक नहीं रही है, हम लोग की तरफ देख तक नहीं रही है। देखिए, जो छात्राएं हैं वो अलग अलग जगहों से आई हैं और लगातार कॉलेज के बाहर, देखिए हम आपको कॉलेज के बाहर की तस्वीर दिखा रहे होंगे, देखिए पीडब्ल्यूसी के बाहर की तस्वीर है, देखिए छात्राएं लगातार हाथों में, छात्रों के सामने हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या वजह रही है लगातार आप लोग को अब कहीं ना कहीं आज सड़कें पर उतरे हैं गर्मी में, क्या वजह है? ईयरबैग लगा दिया जा रहा है, एक सब्जेक्ट में क्रॉस लगने के कारण मेरे को ईयरबैग लग रहा है। और ये रूल ना हम लोग को बताया गया, ना टीचर्स को पता है, ना एचओडी को पता है, ना किसी को भी पता है, बस ये रूल न्यू आया और हम लोग पे इम्प्लीमेंट भी हो गया कि ये रूल है, तुम लोग को ईयरबैग लग गया, तुम लोग घर में रहो। और अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें? इस बात को भी देखा जा सकता है कि पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट में स्कैम हो जा रहा है, ये लोग कुछ नहीं है, हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होता है, कोई पेपर लीक नहीं होता है और ना ही एग्जाम, आप जैसा पेपर देंगे आपके रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आएगा, रिजल्ट में कोई इशू नहीं है। कहीं ना कहीं जो छात्राएं हैं वो लगातार मैदान में है, और ऐसे में अगर पीडब्ल्यूसी प्रशासन अगर बात इन लोगों को नहीं सुनती है तो अगले 24 घंटे के बाद वो गवर्नर हाउस जाकर बातचीत कर सकते हैं। तमाम जो बातें हैं वो कहते नजर आ रहे थे। संघ के अध्यक्ष आनंद मोहन जी, ये छात्राएं सड़क पर उतरी हैं, अब क्या देख सकते हैं आप? क्या देखिए, छात्राओं के जो मांग है बिल्कुल उचित मांग है,
सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें एक दो नहीं 200 से भी अधिक लड़कियां हैं जिनका ईयर बैक लगा है। तो मात्र एक सब्जेक्ट में फेल होने के कारण किसी का एक साल बर्बाद कर देना कहीं से उचित नहीं है। इसमें कॉलेज प्रशासन को चाहिए, ये ऑटोनोमस का फायदा यहाँ पे उठाया जाता है, सिर्फ कैसे भी पैसा तो सिल लिया जाए। अब ये लोग लड़कियों को एक साल और पढ़ाया जाएगा, जिसके तहत इस लोग से एक साल का और फी लिया जाएगा। समझिए कि एक सेशन ही लोग का एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 20 लाख का कमाई हो गया अभी यहाँ पे कॉलेज में। तो कॉलेज प्रशासन को चाहिए कि एक्स्ट्रा एग्जाम लेकर के सभी को पेपर क्लियर करा करके सबको पास कर देना चाहिए। क्या छात्र संघ मतलब लड़कियों के साथ खड़ा है एकदम पूरी तरह, सारा छात्र संघ का पूरा कैबिनेट खड़ा है यहाँ पे। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमाई का जरिया को लेकर सवाल खड़े, ये बात कहाँ तक बड़ा खुलासा? देखिए ये जो पटना विमेंस कॉलेज है कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ कमाई का अड्डा है। सेम प्रोफेसर मगध मेला में पढ़ा रहे हैं, साइंस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वही प्रोफेसर आधा यहाँ भी आके क्लास दे रहे हैं। वहाँ पे 200 से 6000 में पढ़ाई हो रहा है, और वही कोर्स यहाँ पे 1.5-2 लाख में पढ़ाई हो रहा है। तो यहाँ सिर्फ भवन है, भवन के नाम पे पैसा लाइए, मेंटेनेंस लाइए, ये सब चलते रहता है यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।